एक मिनट चाचू, मैं रानी पे निशाना लगाऊं? बेटा, मेरी भी नजर उस पर ही है। कब से मेरी बनाना चाहता हूँ, पता नहीं कब बनेगी। सब हाथ धो के रानी के पीछे ही पड़े। सही कहा, ऐसी रानी का मैं कब राजा बनूंगा। मैं तो कैरम की रानी की बात कर रहा हूँ, तुम खेलो। भैया, मेरे प्यारे भैया, बोलो। तुम्हें एक लव अफेयर के बारे में बताना चाहती हूँ। बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारी शादी 4 दिन बाद है। तुम्हारे अफेयर के बारे में? सर, वो मेरी फ्रेंड है ना विद्या, वो तो दिन रात सिर्फ तुम्हारे ही सपने देखते रहती है। विद्या से मैं कब से नहीं मिला हूँ, कुछ भी बोलती रहती है। तुम्हें उसके सपने तोड़ने नहीं चाहिए। क्या करूँ? तो सोच रहे हैं हम ही तुम्हारी सेटिंग करवा दें। करोगी भाभी? आपके पास करने के लिए और भी काम है। ये लोग मुझे करने दे तो ना, कहते हैं भैया की शादी करा दो, शादी करा दो, और क्या। मुझे शादी अभी नहीं करनी है, नहीं करनी है, कह दो उसे जाकर। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। चाहे तुम मुझसे शादी करो या ना करो, मैं तो तुम्हारी ही रहूंगी। हटाओ इसे, क्या चिपकी है। तुम लोगों का सीरियल शुरू हो चुका है, जाओ जाकर देखो, जाओ। जरा नजर घुमा के इसे देख लो। हैं? तुम्हारे कबर्ड में मिला है। ये किसके लिए है? आओ 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 आओ। Excuse me, if you don't mind, मेरा राउंड भी खेल लेना। क्या कहा? राउंड? अभी से? दादा, वो वाला राउंड नहीं। भाभी, ये आपको कहाँ मिला? बताओ, किसके लिए खरीदा है? मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है। उसका नाम क्या है? मैं उसका नाम अभी नहीं बता सकता। पर उसने बता दिया है। किसने बताया? आगे मुझे नहीं आती। तुम साधना से प्यार करते हो सर वो? तुझे कैसे पता चला? या, मेरे दिमाग में भी 2 आंखें हैं। तूने चैन चुरा के मेरे पॉकेट में डाली, तभी मैं समझ गया। तेरे रग रग से वाकिफ हूँ, आखिर तेरा दोस्त जो हूँ। hey, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने प्रपोज नहीं किया। नहीं किया ना? हाँ। तो ठीक है, मैं उसके सामने तुम्हारी बुराइयाँ करती हूँ। बुराई करोगी? देखो ना विक्की, वो मुझे मार रहा है। जब एक पत्थर दूसरे पत्थर को मारे तो जख्म नहीं होता। साधना से जाके पूछते हैं इससे प्यार करती है। हेलो, कहाँ जा रही हो? हाँ, मेरी मर्जी के बिना जाओगी? ये दादागिरी हमें मत दिखाओ, हमें कुछ कम नहीं है। धमका रहा हूँ। प्यारी भाभी, दीदी, मेरे पे दया करो, प्लीज मान जाओ ना। हमने सोचा क्यों ना तुम्हारी हेल्प कर ले। ओ, अभी वन साइडेड है, गलत टाइम पर बता दिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। चाचू, 2 राउंड पूरे हो गए, आ रहे हो कि नहीं? 2 राउंड हो भी गए? पागलों की फैमिली है ये। सुन तो, कौन है ये विद्या, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? अरे ऐसा कुछ नहीं है, घर वाले पागल हो गए, किसी के साथ भी जोड़ रहे हैं। तो तुम्हें आज तक प्यार नहीं हुआ? ऐसे भी इस लंगूर के साथ कौन सी लड़की प्यार करेगी? एक बात कहूं तुमसे, लड़कियों को हमेशा तुम जैसे लड़के पसंद आते हैं, जो सबका ख्याल रखते हो। क्या? ये लो। लाओ, मुझे तो मेरा टर्न है। एक्सक्यूज मी, अभी आया, मैं तो चला। सर्वना! अयो, कल रात का डांस कमाल का था। दादा, आप ही को मैं गुरु मानता हूँ, गुरु ने चेले की तारीफ कर दी, जीवन सफल हो गया। तुम्हारे डांस की बात नहीं कर रहा, साधना ने कमाल का डांस किया है। थैंक्स। अरे सुन, ऐसा लगता है कि तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हो। भैया, मुझे लगता है कि साधना भी तुमसे प्यार करती है। तुम ये कैसे कह सकती हो? देखो ना कितनी खुश है वो। और ये मुस्कान सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुम साधना को जाकर कह दो कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। ऑल द बेस्ट। थैंक्स थैंक्स। और अगली बार जब घर पर आऊं तो तुम्हारी शादी की गुड न्यूज सुनना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ। अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखना बहन, खुश रहो। शादी तो अरे ये क्या, कितनी अजीब जोड़ी है दोनों की। लड़की कितनी खूबसूरत है, उसने क्या देख के कोयले की खान से प्यार किया? उसके लिए वो खूबसूरत होगा, यही प्यार है। पर ऐसा? अरे हैंडसम लड़के ही सिर्फ अच्छे नहीं होते हैं, ऐसे रफ एंड टफ दिखने वाले भी दिल के बहुत अच्छे होते हैं। तो ये है तुम्हारी चॉइस? डोंट वरी, मैं भी हैंडसम दिख कर बोर हो गया हूँ। अब कल से मैं रफ एंड टफ बन के दिखाऊंगा, अपना पूरा हुलिया चेंज कर दूंगा, एक डेडली डॉन बनूंगा। हाय हाय हैंडसम। हाँ, इम्प्रेस हो गए सोनिया, तुम भी इम्प्रेस हो जाओगे।
उन्हें। कौन है तू? मैं ना पप्पू पेजर भाई, शॉर्ट में पीजे। तू कब आया? अभी आया। अबे लंदन से कब वापस आया? मैं धारावी से कभी बाहर नहीं गया तो लंदन कहाँ से जाऊंगा? तूने वहाँ बम ब्लास्ट किया और झूठ बोल रहा है? गुड जोक। बम फोड़ना भी तेरे लिए जोक है क्या? नहीं, नहीं मैं बम ब्लास्ट कर सकता हूँ, ये जोक है। तूने ही किया है वो। क्या सबूत है कि मैंने किया? कांस्टेबल अप्लाई किया था, फेल हो गया। तेरी फोटो है ना? ये क्या, ये तो मैं हूँ। आपने ये मेरी फोटो अभी अभी खींची है ना? नहीं, वहाँ की पुलिस ने हमें ये फोटो भेजी है। इंस्पेक्टर साहब मैं सच कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या, इतनी सारी बुलेट्स? आपकी आंखें हैं या आलू? और नहीं तो क्या इंस्पेक्टर, मैंने पेन के ढक्कन इसलिए लगाए हैं ताकि ये शर्ट थोड़ी इम्प्रेसिव लगे, और आप कह रहे हैं ये बुलेट्स? इनके पेन कहाँ है? वो अनाथ बच्चों को दान दी। लेकिन वो उनका क्या करेंगे? वो उससे इतिहास लिखेंगे जिनमें मेरा नाम भी अमर हो जाएगा। जेल में चल, वही तेरा इतिहास लिखा जाएगा। सर, 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 मीडिया, 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 पहली बार टाइम पे आ गए। मुझे अभी अभी पता चला है कि मेरी शक्ल टेररी जैसी है, इन इंस्पेक्टर ने बताया। लेकिन आप लोग पहले ही आ गए मेरी शक्ल पे हार चढ़ाने के लिए। यही पर थोड़ी देर खड़े रहो, अपने कैमरे का फोकस टाइट कर लो। मैं अब दुनिया के सामने अपना चेहरा छुपाना नहीं चाहता। एक मैसेज दूंगा, 1 सेकंड रेडी हो जाओ। ये तो मेरा स्टाइल है। अब सुनो, लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक लड़की के लिए खुद को कभी भी मत बदलना। तुम एक बार बदल गए तो वो बार बार तुम्हें बदलने पर मजबूर करेगी, और ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता ही चला जाएगा। बेटा अंदर चल, तेरा हुलिया बदलता। अरे अच्छे अच्छे मेरा हुलिया बदल के चले गए इंस्पेक्टर, अब आप क्या मेरा हुलिया बदल गया? ह्यूमन साइकोलॉजी। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लोगों के दिमाग को तो अच्छी तरह पढ़ लेती हो, तो फिर ह्यूमन साइकोलॉजी क्यों पढ़ रही हो? मुझे पसंद है। गुड, तुम सुंदर हो, संस्कारी हो, जवान हो, दिखती भी प्यारी हो। सरवना भी तो जवान है, और वो तुम्हारी जवानी पे लट्टू हो गया है, इसी वजह से वो पता नहीं कहाँ से उठाकर तुम्हें अपने घर में रख लिया है। शादी में जो भी लोग आए थे, तैयारी के बारे में पूछा, सजावट के बारे में पूछा, खाने के बारे में पूछा, सभी रिश्तेदारों के सारे सवालों के जवाब मैंने झट से दे दिए। उनके इन सवालों के जवाब देने में मुझे कोई झिझक नहीं हुई। तुम्हारे बारे में पूछा तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था। एक जगह चुपचाप बैठने के बजाय तुम तो सबके सामने ठुमके लगा रही थी। सभी रिश्तेदार बातें बना रहे थे कि एक अनाथ लड़की को सरवणा अपनी अय्याशी के लिए यहाँ लाया है। मैं क्या जवाब देता? किसी तरह मैंने संभाल लिया। वो तो सरवणा भला लड़का है जिसने तुम्हें यहाँ पनाह दी, पर समाज ऐसी औरतों को कभी भी इज्जत की नजर से नहीं देखती। कान खोल कर सुन लो, मेरी बेटी के अलावा सरवना के ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं। वो तुम जैसी नहीं है जो किसी के साथ भी चली जाए। मैं तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं चाहता था, मेरी बात को समझो। किसी से लड़ाई झगड़ा ताने मारना मेरी आदत नहीं है। मैं एक साधारण सा बिजनेसमैन हूँ और सोचता भी उसी नजरिए से हूँ। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है जिससे तुम अपने सपने और अपने महंगे शौक पूरा कर सकती हो। हर चीज पैसे से खरीदी जा सकती है, ब्लैंक चेक। जितनी रकम चाहो भर लो और यहां से दफा हो जाओ। आपके मामा आए थे और साधना को ये चेक दे के गए। वो बहुत रो रही थी, पता नहीं क्या बात हुई उन दोनों में। अरे सरवना आओ, आपके पति कहाँ है? ए मामा, मारा मामा। अरे दामाद जी, क्या हुआ? मत कहो मुझे दामाद, ना मैं आपका दामाद हूँ और ना ही आप मेरे ससुर। मेरे घर पर आकर इससे अनाप शनाप बातें करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? इसे क्या देख रहे हो? इसने कुछ नहीं बताया और कभी बताएगी भी नहीं। ये आपकी तरह इतनी गिरी हुई नहीं है। सरवना खबरदार, मेरी माँ के आप सगे भाई है इसलिए आपको छोड़ रहा हूँ मैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो हड्डी पसली तोड़ कर उसका नामो निशान मिटा देता मैं। उंगली मत दिखा, हाथ तोड़ के रख दूंगा। तुम्हारी अकड़ और तुम्हारा घमंड तुम्हारे पास रखो, पैसे का रुबाब किसी और को दिखाना मुझे नहीं। सरवना अपने बड़ों से कोई ऐसे बात कर रहे हैं? अगर तमीजी सिखानी हो तो अपने पति को सिखाओ, जिन्हें ये भी नहीं पता कि बेटी की उम्र की लड़की के साथ कैसे बात करते हैं। मैंने आपसे कभी कहा कि मुझे सोनिया के साथ शादी करनी है? ए सोनिया, क्या मैंने तुमसे कोई शादी का वादा किया था? नहीं।
क्योंकि मुझे कभी सोनिया से प्यार हुआ ही नहीं है। माना, पर मैंने कुछ गलत नहीं किया। हमारे परिवार के बारे में बोलना है, बोलिए। मेरी माँ के बारे में आपको जो कहना है आप कह सकते हैं, क्योंकि वो आपकी बहन है। मेरे पापा के बारे में कह सकते हैं, क्योंकि वो आपके जीजा हैं। मुझसे कुछ कहिए, मैं आपका बेटे जैसा हूँ। पर इस लड़की को कुछ भी बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि साधना हमारी मेहमान है। शी इज माय गेस्ट, मेरी जिम्मेदारी है। आइंदा इसके बारे में कभी बुरा बोला तो याद रखना कि आपका नाम, रुतबा, शान और शौकत सब चकनाचूर हो जाएगा। ये रहा आपका ब्लैंक चेक। आगे से कभी ब्लैंक चेक देने की हिम्मत की तो आंखों की रोशनी ब्लैंक कर दूंगा, याद रखना। तुम अभी भी गुस्से में हो? मुझे उनकी बात का बुरा नहीं लगा, मैं तो उन्हें थैंक्स कहना चाहूंगी। उनकी वजह से ही मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ ताकि बता सकूँ कि मेरे मन में क्या है, पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम मुझे गलत ना समझो। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे एक दोस्त से बढ़कर समझते हो। तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ जो वक्त बिताया है वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं लंदन चली जाऊँ, वहीं रहूँगी। अच्छी जॉब है, अच्छे फ्रेंड्स हैं। अगर यहाँ रही तो मैं कुछ भूल नहीं पाऊंगी। हो सकता है मुझे वहां कोई मिल भी जाए। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें और कोई परेशानी हो, इसलिए मैंने सोचा है कि लंदन चली जाऊं और वहीं रहूं। जानती हूँ तुम्हें बुरा लगेगा, मैं भी ये नहीं करना चाहती, पर यही सबके लिए ठीक रहेगा। एक और हेल्प कर दो, मेरे टिकट से लेकर वीजा तक लंदन जाने का सारा इंतजाम कर दो। हाँ?